बहुत अच्छा काम किए हैं। क्या बोलना, सब चीज महंगा कर दिया। हाँ महंगा तो सर करिए दिए हैं सब चीज महंगाई। गरीब लोग, हम लोग गरीब तो मरिए रहे हैं। हाँ नाम है ललिता देवी। यहाँ पे आए हैं मोदी जी आने वाले हैं, उन्हीं को से देखने आए हैं। मोदी जी से कितना प्रभावित हैं? मोदी जी से तो बहुत प्रभावित हैं। मोदी जी क्या है, सबको काम किए, बेहतर काम। मोदी जी तो अच्छा काम कर ही रहे हैं सबके लिए। बताइए, किसान के लिए भी किसान सम्मान निधि दिए हैं, और किसान लोग का भी सहायता राशि दे रहे हैं, बीमा उमा देते हैं। कोरोना काल में भी राशन मिला हुआ था। हाँ अभी भी मिल रहा है। कोरोना काल में भी राशन दिए, फ्री राशन दिए, अभी भी वो राशन दे रहे हैं। फ्री में ही राशन मिल रहा है हम लोग को, इसलिए प्रभावित है। प्रभावित भाई तो और भी सब काम कर रहे हैं। मोदी जी से, मोदी जी से उम्मीद है कि वो सबके लिए बढ़िया करे। हम लोग जीविका दीदी हैं, जीविका के लिए भी आए हैं बहुत उत्सुक से कि मोदी जी हम लोग को भी कुछ सम्मान करें, हम लोग के बारे में भी कुछ सोचे। मौसम देवी कहाँ है अभी कोई यहाँ? मोदी जी, मोदी जी कोई ऐसा काम, मोदी जी क्या बेहतर काम किए हैं? कुछ काम किए आप लोगों के लिए? यही है कि चावल तावल देता है, किसी का पैसा भी सबके दे रहा है, यही सब चीज दे रहा है। और मोदी से क्या उम्मीद है आपको? अभी मोदी जी आ रहे हैं, क्या उम्मीद है, क्या लगता है? मोदी जी आ रहा है, यही सब बैठक के लिए आ रही है। मोदी जी आ रहा है, उसी के लिए सब बैठक किए हैं यहाँ पर आकर के। बहुत सारे महिलाएं हैं, क्या बात है, मोदी जी प्रभावित है आपको क्या? क्या कार्य प्रभावित है, ऐसा कौन काम दुनिया भर में इसकी मोदी जी परवाही किया है? यही कि सब जैसे गरीबों को सबके सहायता कर रहा है गांव गांव में आकर के। क्या नाम है? देवकी देवी। लेकिन यही लेकिन बिरसा मुंडा का जन्मदिन दिवस के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ है। हम उसको देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। मोदी जी तो प्रभावित किए हैं, ऐसा बात नहीं है। जो बहुत हद तक जो है से सारी विभाग में संशोधन के काम किए हैं। मोदी जी जैसे मान लिया ये जीविका दीदी लोग के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो विभाग में, जो छोटी छोटी कुटीर उद्योग की व्यवस्था करवाए हैं। आम लोगों के लिए किसान निधि वगैरह, जो किसान हैं, मजदूरा हैं, वो सब के लिए रोजगार सेवक जो है, मजदूरा राशन उशन में वगैरह बहुत बढ़ाव किए हैं, जो आज हमारे किसान मजदूरा लोग। उम्मीद है मोदी जी से आज? मोदी जी आ रहे हैं आज, मेरी उम्मीद, हमें उम्मीद बहुत खुशी है। हम लोग बहुत उल्लास के साथ हम लोग यहाँ मोदी जी के स्वागत के लिए, देखने के लिए बहुत खुशी से हम लोग पहुँचे यहाँ पे। उम्मीद क्या है ये बताइए, क्या लगता है जम्मू के लिए क्या घोषणा करेंगे मोदी जी? जम्मू के लिए अब घोषणा क्या करेंगे उतना तक तो हम गहराई तक नहीं बोल पाएंगे, पर बिल्कुल बिल्कुल हमारे इधर मेरा नाम बालेश्वर कुमार दास हुआ, मैं खैरा प्रखंड का हूँ। देखने आए, क्या काम किए, कुछ किए आप लोग के लिए? सब कुछ कर रहे हैं कि सब लाभ दे रहे हैं ना, 2000 प्रधानमंत्री दे रहा और राशन देते हैं। राशन भी देते हैं। क्या उम्मीद है इस बार मोदी जी आ रहे हैं तो क्या लगता है कुछ आप लोग के लिए करेंगे? क्या उम्मीद है? करेगा ना तो क्या बताइए, तो क्या करेगा, मैं जानेगा, उन्हें सरकार बता सका। क्या नाम आपका? फुटोस्वा देवी। माता की माता की। हम लोग खैरा प्रखंड बल्लोपुर गांव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जो 150वां बिरसा मुंडा भगवान जी का जयंती समारोह है जिसे वो मनाने आ रहे हैं, उसी में हम लोग पूरे जिले से, राज्य से, देश से लोग यहां पर हम लोग उपस्थित हुए हैं।
प्रभावित है? मोदी जी से 100% प्रभावित है हम लोग। क्या कार्य किए हम लोगों के लिए? वो इतना कार्य किए, इतना कार्य किए जो 60 वर्ष में नहीं हुआ, वह मोदी जी ने दिखा दिया। एक एम्स कॉलेज पूरे देश में था, आज 24 को एम्स कॉलेज है। आज रोड की हालत देखिए, हॉस्पिटल देखिए, शिक्षा देखिए, जल संसाधन देखिए, जितना भी विभाग है, और सारे लोग गरीब गुरुवा अमीर सभी सुरक्षित कानून व्यवस्था में सब जी रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं? जी आ रहे हैं। जम्मू वासियों को क्या सौगात? देखिए वो तो आ रहे हैं, वो तो अपने मुख से सबको बताएंगे। और उम्मीद है जैसे जम्मू में एयरपोर्ट देने जा रहे हैं, कई गाड़ियां नई नई जैसे वंदे भारत है, और कुछ गाड़ियां हमारे जम्मू में रुकने जा रही है, और जो भी यहां विधि व्यवस्था में जो है उस पर भी वो बताने जा रहे हैं और इसकी व्यवस्था करने जा रहे हैं।